चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। चींटी ने एकदम आगे बढ़ बहेलिए के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेलिए के मुंह से चीख निकल गई। ओ, तेरी ऐसी की तैसी, हाय ओ परमात्मा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है और बहेलिए को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं, कर भला सो हो भला। Five little soldiers standing in a row. Three. Bye bye baby bunting, daddy gonna hunting. Humpty Dumpty sat on a wall.